ननिहाल पाकिस्तान का है। अगर हम देखा जाए तो हम आपस में भाई हैं, जो कुछ साल पहले अलग अलग हो गए हैं कि जैसे इंडिया एक कंट्री है, ऐसी पाकिस्तान एक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री। मेरे दिमाग में पहली चीज जो आती है वो है पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का म्यूजिक। अभी मैं पाकिस्तान का नाम सुनती हूँ तो मैं वहाँ विजिट करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग वहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं, वहाँ का कल्चर। ये कॉपरेट करते हैं, वो कॉपरेट नहीं करते। एक्चुअली मेरा इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ थोड़ा अच्छा है, बिकॉज मेरी दो फ्रेंड्स रह चुकी हैं वहाँ की सोशल मीडिया के थ्रू ही। एक का नाम था सना और एक का नाम मुझे सीरियसली उसका बोलने नहीं आता है। वो एक आलम जन्ना साहब और एक उमर शरीफ। पाकिस्तान का अदनान सामी, नुसरत फतेह अली खान, आतिफ असलम, बहुत प्रमुख सिंगर हैं वहाँ के, और गुलाम अली साहब, अली जफर और आतिफ असलम। आतिफ असलम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो उसके गाने अच्छे लगते हैं। सुनने में आता है नवाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के ही हैं। सारे ही चोर हैं, मैं किसका नाम लूंगा। मैडम भुट्टो थी, बेनजीर भुट्टो थी, शोएब मलिक। मैं तो बिल्कुल शक्ल भी नहीं देखा। नहीं, हाँ बिल्कुल, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार जाके विजिट करूँ अगर चांस मिले तो। आई एम फ्रॉम अमृतसर एक्चुअली, मैं आई वाज बोर्न इन अमृतसर, तो वहाँ से तो इट्स इजी टू गो। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहूँगा। मैं भी जाना चाहूँगी पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, मैं आतिफ असलम से मिलना चाहूँगी। क्यों नहीं, पाकिस्तान जाना चाहेंगे। नहीं डर नहीं लगेगा कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान का नाम सुनते ही मैं वहाँ विजिट करना। स्टॉप हेटिंग इंडियंस, स्टार्ट, you know, start making friends with India, of course.